नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगी बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आने वाले हैं अपने चुनावी सभा को संबोधन करेंगे और आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी बिहार के तीन जिलों में चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं जिसमें जनता को वो संबोधित करेंगे और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार की जनता को वो सौगात दे सकते हैं आपको बता दें कि जो उनकी पहली चुनावी सभा है वो ग्यारह बजे सासाराम में होने वाली है जिसमें बीजेपी के बारह नेता जेडीयू के बारह और हम के एक उम्मीदवार मंच पर मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की जो चुनावी सभा होने वाली है जिसमें नेता लोग मौजूद रहेंगे वो पहले से ही यानी कि दो दिन वो कोरोना टेस्ट करवाएंगे उसके बाद ही वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे वहीं दूसरी सभा उनकी जो है वो गया में होगी एक बजे से उसमें भी जेडीयू के छः और बीजेपी के नौ और हम के चार उम्मीदवार शामिल होंगे और जो उनकी तीसरी चुनावी सभा है वो भागलपुर में तीन बजे से शुरू होने वाली है बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के जो है नेता वो मौजूद रहेंगे साथ ही नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील करेंगे एन को आपको बता दें कि पीएम के की इस रैली को देखते हुए जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में जिन जिलों में पीएम मोदी की चुनावी सभा होने वाली है उसमें बड़ी संख्या में पुलिस और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ सात, सात आईपीएस और डीएसपी पीएम मोदी के सभा में वो मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी तरह का दिक्कत ना हो तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ नमस्कार